तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी पहला मुकाबला आपको जीतते हुए दिखाई दे, तो आप लोग वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जो कि आपको बता दे कि गुजरात को धूल चटाने के लिए धोनी ने प्लेइंग 11 तैयार कर ली है और 4 भूखे शेरों को भी अपने टीम में शामिल कर लिया है। तो आखिर दोस्तों, उनका प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है और 4 भूखे शेर कौन कौन से हैं, आज की इस वीडियो में इसी को लेकर बताने वाला हूँ, जो कि CSK फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि CSK से जुड़ी हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि IPL 2023 के 16वें सीजन का आगाज 31 मार्च से शुरू हो रहा है, जो कि 31 मार्च आने में मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ, जो कि आपको बता दे कि पहला ही मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यह बता दूं कि यह मैच 31 मार्च को शाम 7:30 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है, जिसे आप 31 मार्च को देख सकते हैं। और अगर आप इसे टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, और अगर आप इसे मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग अपना प्रैक्टिस कैंप 10 से 15 दिन पहले ही शुरू कर दिए थे, और इधर बेन स्टॉक, रविंद्र जडेजा, दीपक चहार और डेवोन कानवे जैसे दिग्गज खिलाड़ी प्रैक्टिस कैंप ज्वाइन कर चुके हैं और ये सब प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि CSK और उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस साल पूरी तरीके से चेन्नई सुपर किंग IPL 2023 जीतने के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है, और दोस्तों CSK की टीम सबसे अलग रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसी को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने अपना प्लेइंग 11 तैयार कर लिए हैं और यह खिलाड़ी आपको 31 मार्च को खेलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी को लेकर बात कर लेते हैं, तो वो है ऋतुराज गायकवाड़ और डेवोन कानवे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये दोनों ओपनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं 3 नंबर को लेकर बात करूं तो वो है मोइन अली, जो कि आपको पता होगा कि मोइन अली कितना धाकड़ ऑलराउंडर, अगर टीम को विकेट की जरूरत हो तो विकेट निकाल कर दे सकते हैं और अगर टीम को रनों की जरूरत हो तो रन निकाल कर दे सकते हैं। वहीं अब 4 नंबर को लेकर बात करूं तो वो है अम्बातु रायडू, जो कि आपको पता ही होगा कि ये कितना धाकड़ बैट्समैन है। वहीं अब 5वें नंबर की बात करूं तो बेन स्टॉक, जो कि आपको पता ही होगा कि ये भी ऑलराउंडर है, जो कि इंग्लैंड टेस्ट टीम का कप्तानी भी कर चुके हैं। वहीं 6ठे नंबर की बात करूं तो रविंद्र जडेजा का नाम आ रहा है, जो कि आपको पता है कि रविंद्र जडेजा भी कितने अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं, जो कि CSK फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 7 नंबर पर कैप्टन धोनी उतरेंगे, जो कि आपको पता ही होगा कि महेंद्र सिंह धोनी कितना फिनिशिंग पारी खेलते हैं। वहीं 8 नंबर की बात करूं तो डेवोन प्रिटोरियस आएंगे, जो कि दोस्तों ये भी ऑलराउंडर है, क्योंकि ये इस साल काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी ने इन्हें अपने टीम में शामिल किया है। अब दोस्तों, 9 नंबर पर महेश दीक्षणा, 10 नंबर पे दीपक चहार और 11 नंबर पे सिसांडा मांगला, जो कि इन तीनों खिलाड़ी इस IPL में धूम मचाने वाले हैं, जो कि महेंद्र सिंह धोनी ने प्लेइंग 11 में इनको भी शामिल किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इतनी तैयारी के बाद भी IPL की ट्रॉफी CSK जीत पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि CSK से जुड़ी हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।